Kutch is known for its handicraft. You can not just buy them here, but also see how they're made. There's different kinds of embroideries, from mirror work to block printing. Then they make the copper bells here. There's leather work, Rogan art, and pottery. Just walk into any one of these villages and you'll find artists working in every home. आप क्या बना रहे हो? टॉर. हाँ. अच्छा ये. हाँ. अच्छा. और ये शीशा? शीशा भी लगाते हो फिर इसी पे? हाँ. ये लगा. अच्छा ये आपने बनाया है? हाँ. कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 12 महीने लग जाए. 12 महीने. हेलो. 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 Check out my new bead choker. शादी होती है. हाँ. तब ये 10 साल की लड़की हो जाती है, इसके बाद ये भरने में शुरू हो जाती है. अच्छा, पूरा दहेज का सामान आप बचपन से, जब से पैदा होते हैं, इकट्ठा करना शुरू? इकट्ठा करना शुरू कर देते हम लोग ये इसमें. ये इसमें 3-4 महीने लगता है. एक और 3-4 महीने एक ड्रेस बनाने में? एक ड्रेस बनाने में. और आपके कितनी बेटियां? हमारी 5 बेटियां हैं. 5 बेटियां, बहुत टाइम लगने वाला है आपको. We are now here in Irona village that is popular for Rogan art. It's a 400 years old art that came to India from Persia. It's basically an oil-based painting that is drawn freehand on a cloth. And this art is being carried forward by a huge family of this village, which has multiple national award winners, one of which even has a Padma Shri award. So let's go find out some more about this art now. रोगन आर्ट 400 साल पुराना आर्ट है, और रोगन आर्ट हमारी फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है. अच्छा. मैं अभी 8th जनरेशन कंटिन्यू हूँ. जैसे पर्शिया में जो चीज़ ऑयल से बनती है, उसका जिसका बेस ऑयल होता है, उसे रोगन कहा जाते हैं. अच्छा, तो ये ही ट्री ऑफ लाइफ आर्ट है, और ये मोदी ने ओबामा को गिफ्ट किया था. रोगन आर्ट में जो पॉपुलर है वो ये है. सबसे पॉपुलर 90% में जो सेल होता है वो ये. Now we are here in Khavda village, which is famous for pottery, and we are gonna go and meet Abdul Bhai. भाई आप कब से बना रहे हैं? मैं 35 साल से बना रहा हूँ. और कौन कौन बनाते हैं आपके परिवार में? ऐसे हमारे परिवार में मैं हूँ, और खास करके जो ये पेंटिंग का काम है जी, ये हमारे लेडीज का है, औरतों का काम है. व्हील पे आप मुझे थोड़ा पॉटरी बनाना सिखा सकते हैं? हम आपको सिखा तो जरूर सकते हैं. हाँ, मतलब थोड़ा सा, मैं देखना चाहती हूँ कितना मुश्किल है इसको सीखना. हाँ, सिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है. देखने से ऐसे लगता हाँ, है कि आसान है. आसान है, हम बना लेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है बनाना. हाँ. खींच लो. खराब काटा ना मैंने? नहीं नहीं, कोई नहीं, उठा लो आप. वो क्या है, एक जगह मिट्टी पतला हो जाती है और एक जगह मोटी. हाँ. Now in a village called Ajrakpur, which is famous for its block printing technique, and this technique is more than 5,000 years old.
इसको भैया अजरक क्यों बोलते हैं? अजरक का मतलब क्या है? अजरक का मीनिंग बहुत सारा होता है, जैसे बहुत सारा होता है, जैसे एक आप समझ लो कि अजरक का मतलब हमारे कच्ची में होता है आज रहने दे। अच्छा, आज रहने दे। दूसरा ये है कि ये काम के अंदर हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसको एक एक दो दो दिन रखते हैं, उतना बढ़िया काम होता है। अच्छा, उसकी काम की सफाई है, कलर की ब्राइटनेस चलाती है। अच्छा, और ये जो कलर बनता है ये सारा नेचुरल कलर है? सारा नेचुरल कलर होता है। किस चीज से निकलता है ये? So that was the beautiful ajrak technique. And the handicrafts in Gujarat never end. There's a variety of block printing techniques. There's mirror work, bead work, and then they also manufacture chunky silver jewelry, copper bells, leather work, wood work. They also do wood carving here. And it just never ends. We haven't even explored half of it yet. So if you like traditional handmade products, come to Kutch and you will be surprised by the variety here. If you travel to experience culture, Kutch is your place. From handicrafts to village life, folk music, folk dance, Kutch has it all.